हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और सीएस के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। और यहां पर मैं जाने वाला हूं फ्लाइंग टैक्सी में, और ये है सीएस के अंदर, जहां पर आप देख सकते हो मेरे पीछे है बेल नाम की कंपनी की तरफ से एक फ्लाइंग टैक्सी, जिसके थ्रू आप आराम से कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि चार प्लान्स है जो इलेक्ट्रिक है, और यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस मिल जाता है अगर आपको ट्रैवल करना है सिटी के अंदर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे हैदराबाद के अंदर मुझे अगर अपने घर से एयरपोर्ट जाना है तो मुझे लग जाता है नॉर्मली एक घंटा, मतलब 1 आवर। लेकिन अगर मैं यूज़ करूँगा फ्लाइंग टैक्सी तो प्रॉब्ली 10-15 मिनट के अंदर पहुँच सकता हूँ। कोई भी घर के आसपास में हाई रेंज टावर रहेगा जिसके ऊपर हेलीपैड है, तो ये वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर आराम से लैंड हो जाएगा, आपको सीधा वहाँ से फ्लाइट ऑन करेंगे और आप सीधा एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अब आप बोलोगे ये कब हो सकता है? वेल दोस्तों, ऑलरेडी इंडिया के अंदर, जैसे मुझे याद है बैंगलोर के अंदर तो कुछ ऐसी सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं जहाँ पर आप बैंगलोर एयरपोर्ट से अपने सिटी के अंदर तक हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हो कुछ 5 से 6 हज़ार रुपये के अंदर। तो ये चीज़ें भी काफ़ी दूर नहीं है दोस्त। चलिए चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का कंप्लीट ओवरव्यू। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं एक फ्लाइंग टैक्सी के अंदर जो एक हेलीकॉप्टर रिप्लेसमेंट बन सकता है फ्यूचर में। आपको ट्रैवल करना है कहीं से भी तो ये इलेक्ट्रिक टैक्सीज आपको काम में आएगी, और यहाँ पर आपको ना ही मिलती है फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रिक है तो बेटर आउटपुट रहेगा, प्लस कम नॉइज़ रहेगा, और मेंटेनेंस मतलब जो रनिंग कॉस्ट होता है हेलीकॉप्टर के कंपेयर में वो बेटर रहता है जो ये कंपनी प्रॉमिस करती है। यहाँ पर है करीब 1, 2, 3, 4, 5 सीटर टैक्सी लिटरली, और अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो पायलट के लिए एक जगह दी हुई है। हालांकि फ्यूचर में ये भी प्रॉमिस है कि ये ऑटोनोमस हो सकता है, जहां पर आप सिर्फ बोर्ड करें और आपको कोई अंदर ना होगा, आप लोग सिर्फ ऐप यूज़ कीजिए और अपने डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अंदर आपको मिल जाता है ये कंप्लीट डिस्प्ले ऊपर की तरफ, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। प्लस अगर मैं बाहर की तरफ बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाते हैं ये चार बड़े बड़े फ़ैन जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे ब्लेड्स हैं और दिखने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है। तो ये है यहाँ पर फ्लाइंग टैक्सी मेरे सामने, जो मैं अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस करके आया हूँ। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कंप्लीट ब्लैक टूल डिज़ाइन है, मतलब इतनी शाइनी है, ग्लॉसी डिज़ाइन है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखती है और बॉस काफ़ी इंप्रेसिव है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, आप लोगों के मतलब इंडिया में भी आ सकते हैं 2-4 साल के अंदर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फ्लाइंग टैक्सीज। हालांकि पता नहीं कौन इसको ड्रोन से उड़ा दे या फिर पतंग लगा दे, बट दैट सेट दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमें यहाँ पर देखने मिली है सीईएस में, और मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इस फ्लाइंग टैक्सी से। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ओवर व्यू बाहर से। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, यूज़फुल था, और काश हम लोग ऐसे फ्लाइंग टैक्सीज के अंदर बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर फ्लाई कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स मेरी तरफ से सीएस में, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए सारे अप्रिशिएट्स को एफर्ट करने के लिए। मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।